देखिए नेक्स्ट अपन ने इससे पहले जो कलाम के नियम थे इस वाले पर जो क्वेश्चन आए थे वो अपन ने देखे थे, ठीक है। इस वाले पार्ट में देखिए विद्युत क्षेत्र देखते हैं। विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है? कूलाम के नियम में अपन ने देखा था जब दो आवेश है, दो आवेशों को एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, ठीक है, कोई भी दो आवेश दे रखे हैं, जैसे कि ये Q1 दे रखा है, ये Q2 दे रखे हैं, ठीक है, एक निश्चित दूरी पर, स्टार्टिंग अपन ने Q1 ही मान लिया कि Q1 एक आवेश दे रखा है और इसके पास कोई दूसरा आवेश Q2 लेकर आ रहे हैं, ठीक है, एक आवेश Q1 दे रखा है और उसके पास दूसरा आवेश अपन क्या लेके आ रहे हैं, Q2 लेके आ रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो पहला वाला है दूसरे के कारण क्या है, बल अनुभव करेगा, ठीक है ना, या दूसरा वाला भी ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, बल का अनुभव करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग Q1 था, ये वाला पार्ट अपने पास Q1 आवेश ले रखा था, ठीक है, इसके पास दूसरा वाला आवेश लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, एक निश्चित दूरी प्राप्त होने पर प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल अनुभव करता है, ठीक है ना। ये दोनों बल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अन्योन क्रियाएं करेंगे, ठीक है ना। अन्योन क्रियाएं करते हैं तो क्या होता है, इसमें जो बल अनुभव करेंगे इन्हीं अन्योन क्रियाओं के पार्ट को क्या कहते हैं, यानी कि अपने पास कोई क्षेत्र आ गया, इसका एक ऐसा क्षेत्र सा बन जाता है जिसमें क्या होते हैं, बल वगैरह अनुभव होते हैं, इन्हीं किसी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें क्या होता है, बल अनुभव होते हैं, क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाते हैं, विद्युत क्षेत्र, ठीक है, समझ गए। कोई आवेश था, आवेश पर क्या करते हैं अपन, कोई दूसरा आवेश इसके पास लेके आते हैं, ठीक है, इन्हीं आवेशों के कारण क्या कहलाते हैं, ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अन्योन क्रियाएं करते हैं। जब ये अन्योन क्रियाएं करेंगे तब क्या होगा, अन्योन क्रियाएं करते हैं तब क्या होता है, इनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव होता है, ठीक है ना। इन्हीं आकर्षण व प्रतिकर्षण बलों को क्या कहते हैं, कि एक क्षेत्र सा बन जाता है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे वाला पार्ट देखिए, जैसे कि Q1 Q2 आ गया, ठीक है, किसी आवेश का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह क्या करेगा, बल अनुभव करे, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। कोई भी आवेश इसके साथ लेके आके, उस वाले के साथ जो कोई अन्य आवेश लेके आ रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जो बल अनुभव करते हैं उस वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए जो इसकी तीव्रता वगैरह आएगी वो कितनी आएगी, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इसकी जो इंटेंसिटी आएगी वो किस प्रकार आएगी। किसी भी आवेश के पास दूसरा आवेश लेके जाते हैं तो इसमें अन्योन क्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। किसी भी आवेश के साथ यदि कोई अन्य आवेश लेके जाते हैं तो उसमें क्या होती है, अन्योन क्रियाएं होती हैं, इन्हीं अन्योन क्रियाओं के कारण क्या होते हैं, बल अनुभव होते हैं, ठीक है, और इन्हीं से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी एरिया तक कार्य करेगा, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जो इसमें बल अनुभव होता है वो कितने एरिया तक कार्य करेगा, ठीक है ना, उसकी प्रभावशीलता क्या होगी वो देखनी है, ठीक है। किसी आवेश को अपन क्या ले जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, ठीक है, कोई भी आवेश आ गया अपने पास उसे क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे तब क्या होता है, किसी भी आवेश को यदि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे तब क्या होता है, ठीक है, उस पर बल अनुभव करेगा। ठीक है, किसी भी आवेश को अपन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे तो उस पर बल अनुभव होगा। इसी बल के जो अनुपात वगैरह होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, ये कोई एरिया आ गया, ठीक है, इसमें कोई आवेश क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है ना, इसके अंदर ये क्या आवेश क्या करेगा, प्रवेश करेगा, तब इस आवेश पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तब क्या कह लेते हैं, फोर्स और आवेश का जो अनुपात कहलाता है, निष्पत्ति कहलाते हैं, जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है ना, जो इसका रेशियो आएगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में आएगा। ठीक है, यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा, ये एक लिमिट के रूप में होता है कि कितने एरिया में ये कार्य करता है, ठीक है, कोई भी एरिया आ गया उसमें कितनी दूरी तक ये कार्य करेगा, इस वाले पार्ट को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अपन क्या करते हैं, आवेश को प्रवेश करवाते हैं, आवेश को प्रवेश कराने के बाद में जब आवेश पर जो बल कार्य करेगा तो जो आवेश की निष्पत्ति यानी कि रेशियो वगैरह कहलाता है वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में प्राप्त होता है। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या कहला है, लिमिट डिटेल डी लिमिट दे रखिए एफ अपॉन क्यू के रूप में आ गया, या इसे सिंपल रूप से देखें तो क्या आएगा, एफ अपॉन क्यू के रूप में आएगा। ठीक है, या कोई क्यू बराबर क्या दे दिया, वन कूलाम दे दिया। ठीक है, देन E बराबर क्या पार्ट आया, एफ, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिस पर जिसमें एकांक धनावेश या एकांक ऋणावेश कोई भी एकांक आवेश है वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, कोई एकांक धनावेश गति कर रहा है। ठीक है ना, कोई एकांक धनावेश उस पर गति कर रहा है तो इसमें लगने वाले बल का मान क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर रहता है। ठीक है ना, यदि बल का मान क्या हो, सॉरी आवेश का मान क्या हो, एक कूलाम हो, तो उस पर लगने वाले फोर्स का मान क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर रहेगा। ठीक है, या आवेश बराबर क्या दे रखे, वन कूलाम, देन E बराबर F। ठीक है, इसमें यदि अपन इसके एसआई मात्रक वगैरह देखें तो क्या आएगा, ऊपर वाले एरिया से इसका एसआई मात्रक देखें तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए इसी F का मात्रक क्या होता है, E का जो मात्रक वगैरह आता है F का क्या आएगा, न्यूटन, और इसका क्या आएगा, कूलाम। ठीक है, E बराबर क्या हो गया, N अपॉन C यानी कि न्यूटन अपॉन कूलाम। ठीक है, क्या लिखेंगे, ठीक है, कि किसका मान आ गया, विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मान आ गया, या विमा वगैरह देखें तो इसकी क्या आएगी, एफ की क्या होती है, आवेश की विमा, सॉरी बल की विमा, बल की विमा क्या होती है, एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन कूलाम की क्या आएगी, ए वन टी वन। ठीक है ना, ये वाले मान इसमें रखेंगे तो इसकी विमा क्या आएगी, एम वन एल वन टी माइनस थ्री माइनस वन, ये क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की विमा आ गई। ठीक है, ये वाले मान जो विमा वगैरह आई है ये किस में आते हैं, जो छोटे मोटे कंपटीशन वगैरह होते हैं उस वाले मानों में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना, जो विद्युतशीलता आई थी निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है, उस वाले पार्टों में इसके मान पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये एक निश्चित जो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि
इनके जो मान होते हैं एक निश्चित डायरेक्शन में रहते हैं और सभी पार्टों पर इसके मान क्या रहेंगे, समान रहेंगे। एक निश्चित दूरी पर इनके मान क्या रहते हैं, समान रहते हैं। जैसे कि ये कोई दो प्लेटें दे दी अपने पास, ठीक है, ये पॉजिटिव सिरा, ये नेगेटिव सिरा, ठीक है। दो प्लेटें अपने पास ए और बी, जिसके दो पार्ट दे रखे हैं ए और बी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ये कहाँ से गति करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत बल रेखाएं ए से बी की तरफ गति कर रही है, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक निश्चित स्थान पर कोई भी निश्चित क्षेत्र दे रखा है वहाँ पर जो इनकी इंटेंसिटी होती है वो क्या आती है, एक समान रहती है। ए से बी आ गया तो इन सभी पार्टों पर, इन अंदर वाले पार्टों में जो दोनों प्लेटें उनके मध्य जो इनकी इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, एक समान रहेगी। जैसे कि ए से चले, ये एक निश्चित दूरी ले ली यहाँ तक, ठीक है ना, ए से यहाँ तक, तो इस वाले स्टार्टिंग पूरे एरिया में क्या रहेगा, इंटेंसिटी इनकी क्या रहेगी, एक समान रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट कोई दूसरा पार्ट यहाँ पर ले लिया, इस वाले पार्टों पर क्या रहेगी, इसकी इंटेंसिटी एक समान रहती है, ठीक है। इसी प्रकार अन्य कोई ये पार्ट ले रखा है, इस पर भी क्या है, इनकी इंटेंसिटी एक निश्चित रहती है। यानी कि एक निश्चित जो पार्ट दे रखे हैं उन पर इनकी इंटेंसिटियाँ क्या रहती है, एक समान रहती है, ठीक है ना। यानी कि उनका मान क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये अपने पास क्या था, ए और बी के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, यानी कि किसी आवेश को अपन किसी में ले जाते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं, तो यानी उस आवेश पर जो बल लगेगा उसकी उसका रेशियो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आता है। E बराबर क्या है, एफ अपॉन क्यू, ठीक है। एफ अपॉन क्यू से अपन क्या निकालेंगे, इनके जो ऐसा ही मात्रक है वो निकाल लेंगे, और जो बीमा वगैरह आती है वो निकाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए, कोई भी उदाहरण के लिए इसमें क्या होता है कि एक एग्जाम्पल, इनके मान क्या रहते हैं, एक समान रहते हैं, ठीक है ना। इनके जो मान आएंगे वो क्या रहेंगे, एक समान रहते हैं। पॉजिटिव ए बी, इनके बीच में जो कोई निश्चित स्थान है उस वाले पार्टों पर इनके मान क्या रहते हैं, समान रहते हैं। दो प्लेटें ले रखी हैं, दोनों प्लेटों पर एक निश्चित दूरी पर क्या रहेंगे, इनके मान समान रहेंगे, ठीक है। यानी दो प्लेटें जिसपे एक पॉजिटिव पार्ट आ गया, एक नेगेटिव पार्ट आ गया, दोनों नेगेटिव व पॉजिटिव पार्टों पर ये मान क्या रहेंगे, एक निश्चित रूप से क्या रहेंगे, समान रहते हैं, ठीक है। और ये जो बल रेखाएं हैं, ए से बी की तरफ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगी, ठीक है। इन्हीं बल रेखाओं पर देखिए, जो डायरेक्ट रूप से आएंगी वो बल रेखाएं क्या आएंगी, विद्युत बल रेखाएं आएगी, और जो डैश डैश के रूप में ये बल रेखाएं जो मानी जाती है वो क्या आती है, चुंबकीय बल रेखाएं, और ये वाली बल रेखाएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है, ठीक है।